CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम गणित का होनहार भारतीय बालक श्रीनिवास रामानुजन। ये कहानी एक ऐसे जीनियस की कहानी है जिसमें गणित के प्रति बेपनाह जुनून था। अंकों में छिपे संदेशों, अर्थों को भांपने की अद्भुत क्षमता थी। उनमें अपार सृजनात्मकता और अंतर्मुखी कल्पना की बेजोड़ योग्यता थी। ये सब उन्हें अंकों की अंतरंग घनिष्ठता से बिल्कुल वैसे ही हासिल हुई जैसे कोई संगीतकार बार बार रियाज करके सुरों और तानों को पक्का करता है, जैसे कोई चित्रकार कैनवस पर भिन्न भिन्न तरह से रंगों को बार बार बदलकर भिन्न भिन्न आकृतियां उतार कर अपनी कलाकृति तैयार करता है। वो अंकों को रंगों की तरह इस्तेमाल किया करते थे। रंग जैसे मुसव्वर के लिए हैं और शब्द शायर के लिए, जैसे गीतकार शब्दों को चुन चुन कर भावनाओं से ओतप्रोत अपनी रचना का ताना बाना बुनता है, वैसे ही वो शायराना शिद्दत से गणित के प्रमेय और सिद्धांत लिखा करते थे। सन 1900 ईस्वी कुंभकोणम में टाउन हाई स्कूल, फार्म 3 का कक्षा कमरा, जो आजकल की 7वीं कक्षा के बराबर है, और ये गणित विषय का पीरियड था। चुप 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 चुप, स्वामी सर आ रहे हैं, सब खड़े हो जाओ। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको भागफल के बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों, जब किसी संख्या को उसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो उसका भागफल 1 होता है। अब मैं इसी गणित के सिद्धांत को एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास 13 केले हैं और मुझे ये 13 छात्रों में बांटने हैं, तो प्रत्येक को कितने केले मिलेंगे? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ स्वामी, तुम बताओ। सर 1। विद्यार्थियों, क्योंकि 13 को अगर 13 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 1 होता है। सारे बच्चे समझ गए ना? जी सर। और एक बार फिर मान लो कि हमारे पास 1000 केले हैं और हमें उन्हें 1000 छात्रों में बांटना है, तो जरा सोच कर बताओ कि प्रत्येक छात्र को कितने केले मिलेंगे? सर मैं बताऊं? हाँ भाई सुब्रमण्यम, तुम ही बताओ। 1 केला। बिल्कुल सही, शाबाश। बैठ जाओ सुब्रमण्यम, बैठ जाओ। तो विद्यार्थियों, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर किसी भी संख्या को उसी संख्या द्वारा विभाजित करते हैं तो परिणाम हमेशा 1 होता है। समझ में आ गया सभी को? सर आप बार बार कहते हैं मान लो, हजार नहीं तो कुछ केले अपने साथ ले आते, हम सबको भी 1-1 केला खाने को मिल जाता। चुप, ऐसे ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। बच्चों, ये नियम हमेशा याद रखना। हाँ,
लेकिन सर एक बात बताइए, क्या ये नियम शून्य पर भी लागू होगा? सर अगर शून्य को शून्य से भाग देंगे तो भी क्या परिणाम एक के बराबर होगा? ये क्या उल जुलूल सवाल है भाई। सर ये नियम हर जगह और हर समय नहीं लागू किया जा सकता। क्यों नहीं? शून्य को अगर शून्य से विभाजित करते हैं तो एक नहीं होता क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? Are you testing my knowledge in mathematics? नहीं सर। लेकिन सर शून्य के लिए अगर शून्य लोगों में बांटे जाएंगे तो किसी को भी कोई केला नहीं मिलेगा, क्योंकि शून्य एक असीमित संख्या है। इसलिए सर इसे यानी शून्य को विभाजित नहीं किया जा सकता। बात तो इसकी एकदम ठीक है। सर ये रामानुजन है। और आपको पता है सर, ये सारे तंजावुर जिले में प्राथमिक परीक्षा में अव्वल आया है। अच्छा भाई वाह, शाबाश रामानुजन, शाबाश। ये था होनहार मेधावी श्रीनिवास रामानुजन, एक 13 वर्ष का सीधा साधा सा दिखने वाला सांवला गरीब सा बेचारा सा, बड़ी बड़ी जिज्ञासा से चमकती स्वप्ने लाखें। उनका जन्म सन 1887 ईस्वी की 22 दिसंबर को गुरुवार के दिन अपनी नानी के घर एक छोटे से गांव इरोड़े में हुआ। ये गांव तब के मद्रास प्रेसिडेंसी और आज के तमिलनाडु प्रांत के मद्रास शहर के दक्षिण पूर्व 250 मील दूर स्थित है। अपने पूर्वजों की परंपरा जारी रखते हुए उनके गरीब ब्राह्मण पिता के श्रीनिवास आयंगर साड़ी की दुकान में एक मुनीम थे। उनकी माता कोमल तामल पास स्थित सारंगपाणी मंदिर में भजन गाया करती थी। ये मंदिरों और बुनाई करघे का पावन कस्बा दक्षिण की गंगा नदी कावेरी के तट पर स्थित है। मद्रास जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तंजावुर जिले से 160 मील दूरी पर स्थित है। पांच वर्षीय रामानुजन ने कंगायन प्राइमरी विद्यालय में दाखिला लिया। वो जब स्कूल जाने लगे तब उनके पिता श्रीनिवास अपने थोड़े से वेतन में बेटे के लिए पुस्तकें नहीं खरीद सकते थे, परंतु रामानुजन को पढ़ाई के लिए बहुत सी पुस्तकों की तो आवश्यकता ही न थी। वो खिलौनों से नहीं गणित के अंकों से खेलते थे। नवंबर सन 1887 में जब वे 10 वर्ष के भी नहीं हुए थे तब उन्होंने अंग्रेजी, तमिल, भूगोल और अंकगणित विषय के साथ प्राइमरी परीक्षा पास कर ली थी और इसी वर्ष उन्होंने टाउन हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। ग्यारह वर्षीय चमत्कारी बालक के नाम से जाने जाने वाले रामानुजन ने उन दिनों इंटरमीडिएट कक्षा में पढ़ाई जाने वाली गणित की तीनों शाखाओं अंक गणित, त्रिकोणमिति और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अभ्यास समाप्त कर लिया था। फिर उनके हाथ लगी LN लोनी की लिखी त्रिकोणमिति की किताब और मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही इस पुस्तक पर भी उन्होंने महारत हासिल कर ली और स्वयं ही कई नए प्रमेय भी खोज निकाले।
जब वो 15 वर्ष के थे और 10वीं में पढ़ रहे थे तो एक मित्र के जरिए स्थानीय कॉलेज के पुस्तकालय से लाया हुआ उच्च गणित का एक अद्भुत ग्रंथ अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स उनके हाथ लगा। सन 1886 में छपी इस पुस्तक के लेखक थे जॉर्ज शुब्रिजकार। इसकी सहायता से रामानुजन में छिपी गणित प्रतिभा और उजागर और प्रफुल्लित हुई। सन 1903 में रामानुजन ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। एस कृष्णस्वामी अय्यर, जो टाउन हाई स्कूल के प्राध्यापक थे, घोषणा करने के लिए मंच पर आए। साथियों, मुझे श्रीनिवास का परिचय देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। उसने सिर्फ मैट्रिक परीक्षा के गणित विषय में सर्वाधिक अंक हासिल ही नहीं किए, बल्कि वो इस वर्ष के रंगानाथ राव पुरस्कार का भी काबिल हकदार है। अगर मुमकिन होता तो उसे सर्वाधिक अंकों से भी अधिक अंक मिलने चाहिए थे। पूरे 100 अंक भी उसके गणित के ज्ञान का सही सही मूल्यांकन करने के लिए काफी नहीं है। रामानुजन को उनके विद्यालय में उत्तम काम के बलबूते पर कुंभकोणम के सरकारी कॉलेज में आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए 2 साल के लिए जूनियर सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति प्रदान की गई। ये कॉलेज दक्षिण भारत का केम्ब्रिज माना जाता है। उनका लक्ष्य गणित, शरीर क्रियाशास्त्र, ग्रीक और रोमन इतिहास और अंग्रेजी विषयों के साथ फर्स्ट आर्ट्स यानी FA की परीक्षा पास करना था। ये कोर्स इंटरमीडिएट डिग्री के समतुल्य था। इसके जरिए वो मद्रास विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते थे। रामानुजन का गणित ज्ञान इतना बढ़ा कि उनका दूसरे विषयों पर ध्यान होता ही नहीं था। सन 1906 में FA परीक्षा में असफल रहने के बाद रामानुजन मद्रास चले आए, जहां उन्होंने पच्ची अप्पा कॉलेज में दाखिला ले लिया, पर वहां भी वे फेल हो गए। सन 1908 बीता और 1909 आया। रामानुजन की माताजी ने उनके लिए अपने दूर के रिश्तेदार की भोली भाली मोटी मोटी आंखों वाली गांव की 9 साल की लड़की जानकी को अपने बेटे के लिए दुल्हन चुना और उनका विवाह करा दिया। शादी के तुरंत बाद 9 वर्षीय जानकी को उसकी माता के पास राजेंद्रम नगर भेज दिया गया। अगले 3 वर्ष वे दोनों जुदा जुदा रहे, पर अब 22 वर्षीय तरुण रामानुजन वयस्क जीवन की दहलीज पर थे। भूख और ज्ञान कोरे गणित से गुजारा नहीं हो सकता। गरीबी और गणित के बीच संघर्ष करते रामानुजन को बचाने के लिए प्रोफेसर शेषु अय्यर ने दीवान बहादुर रामचंद्र राव के नाम एक सिफारिशी पत्र लिखकर उसे दिया, जो मद्रास कलकत्ता मार्ग पर मद्रास से 110 मील आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के जिलाधिकारी थे और साथ ही भारतीय गणित सोसाइटी के संस्थापक सदस्य भी थे। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब हाँ, आइए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। नौजवान सर, तुम काफी थके और परेशान नजर आते हो। मैं तुम्हारी क्या और कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं श्रीनिवास रामानुजन हूँ सर। ओह, अच्छा। मेरे भतीजे आर कृष्ण राव ने ये बताया था कि तुम बचपन से ही गणित में मेधावी हो। सर, और हैरानी की बात यह है कि फेल होकर तुम कॉलेज छोड़ चुके हो। जी सर, ये पत्र आपके लिए
कुंभकोणम के कॉलेज प्रोफेसर शेषु अय्यर जी ने लिखा है। ये लीजिए सर। हाँ। प्रोफेसर शेषु अय्यर ने लिखा है कि तुम एक नोटबुक लाए हो। जी जी हाँ सर। सर क्या इसमें से कुछ प्रमेय यानी थ्योरम पढ़कर सुनाऊं? नहीं नहीं, तुम ये नोटबुक मुझे दे दो। जी हाँ। जैसे आपकी मर्जी सर। ये लीजिए सर। अमेजिंग। ये तो बहुत ही मुश्किल है। मुझे इतनी गणित नहीं आती कि मैं ये सब समझ सकूं। लेकिन सर ये तो एक सरल प्रमेय है। और हो सकता है कि ये सरल हो भाई, पर जिन पुस्तकों को हमने पढ़ा है उनमें ये नहीं है। अब एनीवे, हम तुमसे और तुम्हारे गणित ज्ञान से प्रभावित हुए हैं। शुक्रिया सर। वैसे तुम रहते कहाँ हो? सर बोर्डिंग हाउस स्वामी पिल्लई स्ट्रीट ट्रिप्लीकेन मद्रास। पर मद्रास में क्यों? कुंभकोणम में मेरे लिए शांति नहीं है सर। यहां कम से कम मैं अपना गणित का काम शांतिपूर्वक कर सकता हूं। हाँ। तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? सर बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया जाए जिससे मैं निश्चिंत होकर अपना समय गणित में लगा सकूं। मेरा मतलब है सर, जीविका कमाने का कोई प्रबंध अगर। तो तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई काम मिल जाए? जी सर। ताकि तुम अपने गणित का स्वप्न पूरा कर सको। इससे अधिक और कुछ नहीं? जी बिल्कुल सर। बस सर इसी आशा से मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मेरे लिए गणित से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। देखो रामानुजन, मुझे खेद है, फिलहाल मैं तुम्हें कोई नौकरी या काम नहीं दे सकता। क्या? तुम्हारी गणितीय प्रतिभा यहां इस छोटी सी जगह में बर्बाद हो जाएगी। पर सर, अब कम से कम तब तक जब तक तुम्हें नियमित पक्की नौकरी नहीं मिल जाती, तुम्हारे गुजारे का प्रबंध कर दिया जाएगा। वापस घर चले जाओ और अपना काम करो, तुम्हारे लिए पैसों का प्रबंध कर दिया जाएगा। क्या? सर सर मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? आप वाकई उदार और दयालु हैं। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई बात नहीं, बहुत बहुत कोई बात नहीं। इसके बाद रामानुजन को प्रतिमाह 25 रुपए का मनी ऑर्डर आने लगा। इस आर्थिक सहायता से 1911 का वर्ष उनके लिए सुखद और आशापूर्ण रहा। इसी वर्ष जनरल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में उनका प्रथम शोध लेख प्रकाशित हुआ। शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण, जिस काम से उनको पहचान मिली। अगले साल यानी 1912 के प्रारंभ में उन्हें मद्रास के अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में पहली नौकरी मिली। 20 रुपए प्रतिमाह वेतन की ये अस्थाई नौकरी कुछ ही सप्ताह तक रही। इस रोजगार के अंत में उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के चीफ अकाउंटेंट के दफ्तर में क्लर्क के पद के लिए अर्जी दी। कौन? आता हूं। अरे श्रीनिवास तुम? हाँ भाई मैं। बहुत अच्छा लगा तुमसे इतने दिनों के बाद। मुझे भी। क्या बात है भाई,
तुम्हारे बारे में, तुम्हारे सुजेश के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। अच्छा? और यही सब सुनकर तुम्हारे दर्शनों को आया हूं। लोग कह रहे हैं कि तुम एक अद्भुत प्रतिभा हो। क्या कहा? मैं और प्रतिभा? मजाक उड़ाने के लिए क्या मैं ही रहा हूँ? जरा मेरी कोहनी को देखो। क्या हुआ? देखो, इससे तुम्हें मालूम चल जाएगा कि मैं कैसी प्रतिभा हूँ। ये क्या, ये इतनी रूखी और मैली क्यों है? मुझे प्रतिभावान बनाते बनाते ये काली और कड़ी पड़ गई है। मैं अपना गणित स्लेट पर करता हूँ। ये देखो स्लेट। हाँ? और ये रहा खड़िया। इसे पोंछने के लिए कपड़ा उठाने में देर लगती है, इसलिए इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद बार बार कोहनी से रगड़ना पड़ता है। लेकिन तुम गणित स्लेट पर क्यों करते हो? कागज क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कागज? जिसके खाने के लाले पड़े हो वो कागज के लिए पैसे कहां से लाएगा? मुझे महीने में 4 रीम कागज चाहिए। तो तुम खाने के लिए क्या करते हो, मतलब तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? क्या कहीं काम वाम करते हो? बताता हूँ। मुझे नेल्लोर के कलेक्टर दीवान बहादुर रामचंद्र राव हर महीने कुछ भेजते रहते हैं। अरे तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? है क्यों नहीं, मैं दूसरों पर कब तक निर्भर रह सकता हूँ? अरे श्रीनिवास, अब तो मुझे खुद पर ही शर्म आने लगी है। इसी वजह से मैंने पिछले महीने उनका मनी ऑर्डर भी लौटा दिया है। रामानुजन, ये तो बहुत नासमझी का काम किया तुमने। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है श्रीनिवास, मुझे मद्रास पोर्ट के वित्त विभाग में क्लर्क की नौकरी मिल गई है। अच्छा? हाँ, इस महीने की 9 तारीख को मुझे नौकरी पर जाना है। ये बता, वेतन कितना मिलेगा? वेतन 25 रुपए प्रति माह। शुरुआत तो बुरी नहीं है, 25 रुपए प्रति माह 25 वर्ष के जवान के लिए। क्या बात है, क्या बात है। रामानुजन अपने एक साथी रामास्वामी अय्यर की मदद से जनरल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की शोध पत्रिका में अपने 2 लेख प्रकाशित करने में सफल रहे। उनका छात्रवृत्ति का आवेदन मद्रास विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सामने अनुमोदन के लिए लाया गया। It has to be deliberated. Fredbear, that's right. Yes. It's an extraordinary situation altogether. Yeah. उपस्थित महोदय, इस मामले में परिस्थिति कुछ extraordinary, असाधारण है, इसलिए विश्वविद्यालय को भी इस संबंध में कुछ असाधारण कदम उठाना चाहिए। ये असाधारण परिस्थिति किस प्रकार की है? मैं बताता हूँ आपको। ये असाधारण इस मामले में है कि उम्मीदवार की शिक्षा अप्रत्याशित है। वो साधारण उम्मीदवार नहीं है, एस रामानुजन है। वो कौन है इसमें हमें तनिक भी रुचि नहीं है। इन बातों में हमें बिल्कुल अव्यक्तिक रहना चाहिए। बिल्कुल अव्यक्तिक रहना चाहिए। जब हम अव्यक्तिक नहीं रहते तो पक्षपात होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है, इससे हमें बचना चाहिए। हाँ। अरे भाई, इस दशा में पक्षपात होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उम्मीदवार की योग्यता पर गणित अध्ययन बोर्ड ने विचार किया है, उसने इसके काम को जांचा है, उसे प्रतिभाशाली पाया है और अनुसंधान छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की है, अप्रूव किया है, रेकमेंड किया है। देखिए, गणित अनुसंधान बोर्ड ये कर सकता है, पर हमें देखना ये है कि जो कुछ भी किया जाए वो नियमों के अनुसार हो। किसी के लिए भी नियमों का उल्लंघन करना अनुचित होगा, ऐसा करने से बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। पर महाशय, रामानुजन की गणितीय योग्यता में संदेह नहीं किया जा सकता है। प्रश्न किसी व्यक्ति की गणितीय योग्यता जांचने का नहीं है। प्रार्थी के कागज हमारे सामने हैं, हम देखते हैं कि उसने केवल
हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, जबकि इस छात्रवृत्ति के लिए उसे एमए होना चाहिए। सही कहा। मैं आपसे सहमत हूँ, नियम यही कहता है। अब एक्सक्यूज मी सर। यस। मैं सिंडिकेट के विद्वान सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रार्थी की सिफारिश प्रोफेसर गिलबर्ट वॉकर ने की है। आप लोग डॉक्टर वॉकर से परिचित हैं। Yes. वो भारतीय मौसम विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। वो FRS यानी रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो हैं। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन के अनुसंधानों को रोचक पाया है। Yes, और उनकी प्रशंसा right. की है। Yes. अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि गणित जगत में प्रोफेसर हार्डी का क्या स्थान है। माननीय सदस्य ने हमारी बात को गलत समझा है। उम्मीदवार की योग्यता में हमें संदेह नहीं है, उसकी प्रतिभा का हम आदर करते हैं, पर जैसा कि आप जानते हैं हम कुछ कायदे कानूनों से बंधे हैं। जी हाँ। तो आपके विचार से उसका एमए पास होना उसकी प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है। आप देखिए, मैं तो नियमों को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियम यही कहते हैं। प्रतिभा के बारे में नियम बिल्कुल मौन हैं। तो फिर क्या होगा? What will follow next? हमें खेद है कि हम उपकुलपति महोदय की सिफारिश को स्वीकार नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। नियम उसकी आज्ञा नहीं देते। देखिए, ऐसी प्रतिभाएं विरली होती हैं जो नित्य नहीं उभरती। मैं समझता हूं कि हम कानून की संस्था नहीं है, शिक्षा की संस्था है, ज्ञान की संस्था है, और हमारा ये निर्णय। हमने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। अनुसंधान छात्रवृत्ति देने के मार्ग में जो कानूनी कठिनाई है उसकी ओर सिर्फ संकेत किया है। मुझे लगता है कि कानून अपनी बलि लिए बिना नहीं मानेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। एक्सक्यूज मी। यस। क्या मैं दो शब्द कह सकता हूँ? हाँ, जस्टिस सुंदरम, कहिए कहिए। थैंक यू। देखिए, मैं सिंडिकेट का ध्यान विश्वविद्यालय एक्ट की भूमिका की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि विश्वविद्यालय का एक कर्तव्य अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है। हमारे सामने जिस प्रार्थी का आवेदन है उसने ये साबित कर दिया है कि उसमें गणित में अनुसंधान करने की अद्भुत योग्यता है। Exactly. यदि विश्वविद्यालय उसकी इस योग्यता का लाभ नहीं उठाएगा और अनुसंधान को प्रोत्साहन नहीं देगा तो वो अपने कर्तव्य से विमुख होगा। Right. ये नियम स्वयं विश्वविद्यालय के बनाए हुए हैं। Yes. जो नियम विश्वविद्यालय एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने में अड़चन डालते हैं उनको अनधिकृत और अनुचित समझा जाना चाहिए। Exactly. तो आप सब सहमत हैं इस बात से? अब जस्टिस सुंदरम कहते हैं तो ठीक है, अनुमोदन कर दीजिए। जी, कर दीजिए। तो फिर हम सब अनुमोदन कर सकते हैं कि रामानुजन को 75 रुपीस 75 रुपया मासिक छात्रवृत्ति देना स्वीकृत माना जाता है। थैंक यू। दोस्तों, हमारी कहानी का अंत यही नहीं होता। अगले भाग में हम आपको दो विमुख प्रतिभाओं की जुगलबंदी की दास्तान सुनाएंगे। एक था रामानुजन, जो धर्मपरायण रूढ़िवादी दक्षिण भारत का गरीब ब्राह्मण था। स्व अध्ययन से बना गणितज्ञ और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के दफ्तर में मामूली क्लर्क था। जबकि दूसरी तरफ गॉडफ्रे हेरल्ड हार्डी, एक अमीर ब्रिटिश कुलीन सामंती तबीयत का मालिक, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित विभाग का मुखिया था। हार्डी गणित में प्रमाण के कायल थे, तो रामानुजन के लिए प्रमाण की कोई अहमियत नहीं थी। रामानुजन के लिए एक प्रमेय में तब तक कोई अर्थ नहीं था जब तक कि उसमें ईश्वरीय विचार न झलकता हो।
गणित का होनहार भारतीय बालक श्रीनिवास रामानुजन। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध आलेख एवं विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कलाकार बाबला कोचर, मंजू मैनी, सुनील लोहिया, राजेश आहूजा, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर तथा रजत सेन गुप्ता। बाल कलाकार अरूप, यश चोपड़ा और विनायक। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। निर्माण सहायक विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। ध्वनि संपादन, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT।